केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी के समर्थन में किया रोड शो। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी। आपको बता दें कि जो लाभ आपको मिल रहा है वह बंद हो जाएगा। शाह द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 2024 में भगवान राम की मंदिर का उद्घाटन और केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का जिक्र किया। संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। और आज यहाँ पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले बगीचा वाले हनुमान जी विजयासन माता के मंदिर को शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना। महान क्रांतिकारी महाराजा खड़ग सिंह जुड़ेल और बुंदेला शासक राजवीर ऋषभ देव सिंह को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत की। मित्रों हो गया बैठ जाओ। भाई और बहनों, वैसे पूरे देश भर में दिवाली का त्योहार मनता है या नहीं मनता है? दीपावली देश में साल में एक ही बार मनती है ना? कितनी बार मनती है? मगर मध्य प्रदेश में इस बार तीन बार दीपावली मनने वाली है। तीन बार किशोर वालों ताली बजा देते हो, मुझे कैसे मनेगी मैं बताऊं? तो पहली बार दीपावली को हम सबने दीपावली बनाना है, दूसरी बार 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब दीपावली मनाना है, और तीसरी बार 22 जनवरी को रामलला का मंदिर में भव्य प्रतिष्ठा है। 22 जनवरी को 550 साल के बाद देश के करोड़ों लोगों की जो इच्छा थी कि प्रभु श्री राम का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो, नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। किशोर वालों, हम भाजपा वालों ने बहुत ताने खाए हैं। ये राहुल बाबा जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा 2019 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हर सभा में कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे राहुल बाबा, आज पिछोर से मैं तिथि बता देता हूँ, 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटकाया, लटकाया, भटकाया। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने। माताओं भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार विकास विरोधी सरकार है। जो पहले सरकार थी 15 महीने यहाँ शहर या जनजाति को 1,000 रुपया मिलता था वो बंद कर दिया, और सिकल सेल का मिशन जो चलता था वो भी आदिवासियों का बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सारी की सारी योजनाओं को फिर से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। भारत माता की। भाई 17 तारीख को चुनाव है, आप मुझे
बताओ 2024 में फिर से 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है ना, जो जाओ बनाना है ना, यहाँ फिर से भाजपा सरकार बनानी है ना। देखे कांग्रेस को 1.5 साल मिला, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और 1.5 साल में गरीब कल्याण की 51 योजनाएं बंद कर दी। अगर फिर से कांग्रेस पार्टी आती है तो लाडली बहना योजना भी बंद हो जाएगी और किसानों को 12,000 रुपया भी बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हर गरीब को घर देने का काम किया, घर में बिजली दे दी, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, 5 लाख तक का पूरा 5 लाख तक का पूरा बीमा दिया, और हर गरीब को 5 किलो अनाज हर महीने देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे बताइए भाई, सभी के कोरोना के टीके लग गए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, लग गए ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कोरोना का टीका लगाकर पूरे देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और मित्रों, एक बात मैं बताता हूँ, अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है, राम लल्ला का दर्शन करना है ना, जरा जोर से बोले अयोध्या में राम मंदिर बनना है। 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कश्मीर भारत का है या नहीं है? ये सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। इसके साथ चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान को पहुंचाने का काम भी मोदी ने। 17 तारीख को कमल फूल का निशान याद रखिए, हमारे बड़े पैसे आ गया हो गए प्रीतम लोधी जी को प्रचंड बहुमत से जिताना, भाजपा की सरकार बनानी है और 24 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। आप सभी लोग तैयार हो ना? पक्का? कमल के फूल पर बटन दबेगा, प्रीतम लोधी जीतेंगे, भाजपा सरकार बनेगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मेरे पास बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।